9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी से एक अहम मांग की है। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा है कि अपराधियों को कड़ी सजा होनी चाहिए, साथ ही ऐसे मामले सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि देश भर से आ रहे हैं। ऐसे में इन अपराधों को रोकने के लिए एक सख्त कानून की भी जरूरत है। ममता ने आंकड़ों के साथ पीएम से इन बढ़ते मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि ये डराने वाला है कि रोज देश भर में रेप की 90 घटनाएं दर्ज होती हैं। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में दो प्रमुख मांगे भी की। पहली तो रेप के हर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से सुनवाई हो और दूसरा रेप के हर केस का ट्रायल 15 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन ममता की ये चिट्ठी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए बीते गुरुवार को सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो फिर रिपोर्ट रात के 11:45 पर क्यों दर्ज हुई? अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि 30 सालों में कभी भी पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। यानी सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त लहजे में ये कहना चाह रहा था कि इस मामले में एक गंभीर भयंकर लापरवाही हुई है। अब ममता की चिट्ठी पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी आई तभी ममता सरकार नींद से जागकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई और कानून की मांग क्यों कर रही है, जबकि खुद ममता की पुलिस के हाथों में ये पूरा केस शुरुआती दिनों में रहा है। इस मामले में एक और अपडेट सामने आ रहा है। आज CBI इस मामले में आरोपी संदीप घोष और अन्य 4 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चारों वही डॉक्टर्स हैं जिनके साथ पीड़िता ने आखिरी बार खाना खाया था, जिसके बाद इस केस में कई और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। लगातार ललन टॉप की नज़र आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए इस घटना पर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम लगातार सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे सामने ममता की ये चिट्ठी आई, उस पर जानकारी आपको दी। आगे पॉलीग्राफ टेस्ट पर भी जो जानकारियाँ सामने आती हैं हम वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोवा की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंट सेहत अड्डा को पावर्ड बाय USV योर रिलायबल हेल्थ केयर पार्टनर एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल।